और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान में ईआरसीपी का काम रोकने के आदेश दिए हैं। जी आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा को पत्र लिखकर काम रोकने के आदेश दिए हैं। इस पत्र के बाद एक बार फिर से राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हो गए। आपको बता दें, पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर इस पत्र को लिखा गया है और इस पत्र ने शेखावत के मंसूबों को पूरे तरीके से प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। शेखावत राजस्थान के लोगों का हित नहीं चाहते और प्रदेश के विकास कार्यों में रोड़ा डालने में भी वे कोई संकोच नहीं करते। प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने दावा किया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को पूरी करने में प्रदेश की गहलोत सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर इस परियोजना को पूरा करेगी, चाहे केंद्र इसमें सहयोग करे या ना करे। डॉक्टर जोशी ने यह भी कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ शेखावत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये राजस्थान की प्रबुद्ध जनता का अपमान है जो श्री शेखावत की नकारात्मक और अहंकारी सोच को दर्शाता है। राज्य की जनता की पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाए या अपनी घोषणा के अनुसार राजनीति से संन्यास ले लें। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ईआरसीपी के काम को रोके जाने के लिए कहा है। मेरा मानना है, मेरा आरोप है कि यह पत्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारे पर लिखा गया है। उनके इशारे पर लिखे गए इस पत्र से श्री शेखावत स्वयं बेनकाब हो गए हैं कि वे राजस्थान के विकास के कामों को रोकना चाहते हैं, राजस्थान के कामों में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ईआरसीपी को लेकर भरतपुर